यह पे गाड़ी की स्पीड थी 117 और आ रहा था बंदों पे सीधा खतरा। जी हाँ दोस्तों, खेल रहा था सोलो सोलो वर्सेस स्क्वाड। यहाँ पे दो बंदों को नॉक करते ही पाई लास्ट वाला बंदा है, एक हेड खा चुका था पहले ही, तो मैं सीधा नेड कुक कर लेता हूँ अभी उसको मारने के लिए। खत्म। आ गया वो फिर से एक बार नया चिकन डिनर वीडियो और उसके साथ एक क्लैश का और बेहतरीन रश का सोलो वर्सेस स्क्वाड वीडियो। अभी तो आइए मजे उठाते हैं साथ में मिलके भाई। यहाँ पे उतरते ही मेरे को UMP मिल जाती है और UMP से मैं एक बंदा नॉक और फिनिश सीधा कर देता हूँ भाई, रुकता नहीं हूँ। और इतने में मेरे को आगे से भी बंदा आते हुए दिखता है, वो बंदा देखो कितना बेवकूफ था भाई, आके ओपन में लेट गया क्यों पता नहीं है। यहाँ पे आईफोन का गेम मोड ऑन करना मैं भूल गया था, तो भाई मेरे को डर लगा था। देखो मेरा क्लिक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन बार नीचे आ जाता है। और ये मेन गेट वाला भी एक नॉक कर दिया मैंने मस्त तरीके से, और उसके बाद नीचे से बहुत बॉट्स की फायरिंग आ रही थी तो मैं सीधा नीचे कूद जाता हूँ, लेकिन तब तक उतरने में इतना टाइम जाता है भाई कि बंदा उतने में खत्म हो जाता है। रुको जरा। इसके बाद ये दो बंदे लूट करके ऊपर चढ़ने की कोशिश में थे और दोनों को मैं मौका देके चौका मार देता हूँ भाई, टाक से सीधा नॉक और फिनिश। फिर से भाई क्रिम्सन पैलेस में मेरी एंट्री कर लेता हूँ और एंट्री करते ही भाई अंदर एक कैंपर था और कैंपर को मारना मेरी जिम्मेदारी थी भाई। ऐसे तो नहीं होता है। तो मैं सीधा अंधा उस पे घुस गया भाई, कोने पकड़ के आराम से बैठे है भाई कैंप करके, यही सोचते कि कोई आएगा तो उसको पेल देंगे। अभी वैम्पायर बन के भाई मैं सीधा अधिक आगे घुस जाता और बंदा देखो मेरे को कहाँ पे दिखता है ये भाई, और उसने आगे वाला नॉक किया था, वो साला अपना बम बाहर नहीं निकाल रहा था, लेकिन निकालता है भाई वो, गन रिलोड होने तक वो निकाल देता है। उतने में भाई किल चोरी करने का भी अपने हिसाब में अलग ही मजा होता है। यहाँ पे मैं एक नेड खींच लेता हूँ और देखो मारना चाहता था अंदर वाले बंदे और फट जाता है बाहर वाला भाई गलती से, एक सेकेंड डिले हो जाता है, मेरे से गलती होती है भाई, इंसान हूँ यार। तो उतने में मैं सीधा मॉली वॉली कर देता हूँ, अंदर के एक फिनिश हो जाते हैं मस्त पैके भाई साहब, और ये भी भाई मॉली से चल जाता है नॉक और फिनिश। और अंदर रिवाइव देने का काम चालू था सुमड़ी में भाई, इसको भी पेल दिया आराम से। अभी बाहर की तरफ थे दो बंदे, 12 किल मैंने अकेले ही सोलो में यहाँ पे निकाल दिए थे। अब एक राइट में कैंपर था और एक लेफ्ट में, HP देखो मेरी 1 HP हो गई भाई, तो यहाँ पे मैं मर गया यार, क्या करे यार मजबूरी थी। इसके बाद मैं सीधा क्रिम्सन पैलेस पे आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे ऊपर चढ़ते हुए एक बकरे के फ्रूट आ जाते हैं, तो इसको अपनी नई वाली ATM से फोड़ देते हैं भाई, ये अपग्रेड कर लिए, हीट इफेक्ट इसके अनलॉक कर लिए। इसके बाद भाई मैं बग्गी लेके घूम रहा था लेकिन बंदे कहीं पे नहीं मिल रहे थे, 13 किल पे मैं खेल रहा था। इसके बाद आगे से बहुत गजब की फायरिंग आती है, फायरिंग आती यहाँ पे देखो मेरा क्लच। बंदे अलर्ट तो हो गए थे लेकिन भाई जितना जल्दी हो सके उतना रश कर दो जल्दी से, तो बंदों की फटके हाथ में आ जाती है, वरना एक बार पोजीशन लेके बैठे कैंपर्स तो फिर तो खत्म ही भाई। अभी एक ने हेड खाया था भाई, इसको अभी नेड से उड़ाने की कोशिश कर रहा था मैं, मेरे को फूड्स का अंदाज़ा आ गया था कहाँ पे छिपा होगा ये, और मैं एक नेड डाल देता और वो फिनिश भाई, यहाँ सीधा फिनिश हो जाता है। इसके बाद बहुत बंदे ढूंढता हूँ लेकिन बंदे नहीं मिलते, बहुत फाइट्स भी हो जाती है। इसके बाद मैं थोड़ा सर्वाइव करते करते जोन से निकल ही रहा था तभी मेरे को बंदा दिखता है, और मेरी HP बहुत ही कम हो गई थी अभी भाई, 1 सेकंड का डिले हो गया, या फिर HP थोड़ी सी ज़्यादा होती तो भी उसको मार देता था। अभी इसके बाद मैं दोस्तों के साथ चील करने के लिए खेल रहा था, इसे
मैच के दौरान भाई मैं क्रिम्सन विलेज के पास जा रहा था गाड़ी लेके, तभी भाई यहाँ पे एक बंदा दिखता है तो उसको मार देता हूँ मैं। इसके बाद ये अपने दोस्त का किल था, उसको हेल्प कर देता हूँ फिनिश करने में और सीधा फटाफट भाई लूट करके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ। उतने में ही अचानक ही दिखा था भाई, किसने गलत शॉक कर दिया था मेरे को। यहाँ पे कुछ किल्स नहीं होते भाई ज्यादा, दोस्त लोग ही बहुत ज्यादा मारते हैं। तो यहाँ पे रिकॉल उठा के भाई अरे हिम्मत कैसे करी रे तूने साले मेरे दोस्तों को मारने की। अपना बंदा नॉक हो जाता है, चौथा बंदा यहाँ पे रैंडम था, बाकी के मेरे अभय और श्रेयस करके दोस्त ये उनके साथ ही मैं खेल रहा था। आगे की तरफ थे बंदे और एक ही नेट था मेरे पे, यहाँ पे अपना बंदा नॉक हो जाता है और दूसरा वो एचपी पे था, उस पर भी रश होने लगता है, उसको नॉक कर दिया। और ये साला हील कर रहा था, इसको भी फोड़ दिया। यहाँ पे 1v2 करने के बाद भाई यहाँ पे कोई अच्छा बंदा नहीं बचा था, यहाँ पे सब क्लियर हो गया था और हमारे पास रिकॉल भी था यार। लेकिन क्या होता है ना सीन यार, रिकॉल जब होता है तभी भाई रिकॉल यूज नहीं होता है लिविक में, डबल रिकॉल। यहाँ पे एक फिर से बंदा दिखता है मेरे को जोन से जाते हुए, हील कर रहा था बेचारा भाई, बहुत गंदे तरीके से मरता है और आगे से बहुत फायरिंग आ रही थी। उतने में ही मेरा बंदा नॉक हो जाता है, अभी उसके पास रिकॉल डबल वाला नहीं था तो मैं उसको रिकॉल करने के लिए इतना रिस्क लेके भाई 800 मीटर या 600 मीटर भाई दूर जाता हूँ रिकॉल करने के लिए और सेफली उसको रिकॉल भी कर देता हूँ। फिर से भाई रिस्क उठा के अंदर जाने ही लगता हूँ, तब तक भाई देखो भाई मेहनत मेरी सीधा पानी में घुस गई भाई, बंदे ने रश कर दिया और मर गया अपना बंदा भाई। इतना रिस्क लेके इसको रिकॉल किया था लेकिन भाई कुछ भी काम नहीं आया। इसके बाद अपने दोनों के दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं, चौथा नंबर ऑफलाइन हो जाता है और मैं जोन से बहुत भटकते भटकते सब बंदों के बीच में से भाई वुल्फ बन के निकल रहा था आगे की तरफ। शत्रु पुड़े आए इसको रेड डॉट के साथ ही नॉक कर देता हूं। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। इसके बाद भाई मेरे को खेलना था सोलो ही इसी मैच में भी और बहुत सारे बंदे थे भाई, फायरिंग आ रही थी आगे से, मैं देखने के लिए दौड़ता हूँ लेकिन भाई आगे कुछ दिखता नहीं है मेरे को, कोई भी बंदा दिखता नहीं है। और उतने में ही मेरे को पीछे से फायरिंग आती है तो पीछे में सीधा घुसने के लिए दौड़ता हूँ। उतने में मेरे को गाड़ी दिखती है स्कूप, ओके तो मैं उस पर सीधा रश करने के लिए दौड़ता हूँ। यहाँ पे गलत सीन होता है, यहाँ पे देखो दो बंदों की फाइट चल रही थी भाई, मैं दो बंदों के फाइट में घुस जाता हूँ सीधा भाई। अभी क्या टाइम पास के लिए खेल रहा था तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी भाई, अकेला ही घुसते जा रहा था मैं। यहाँ पे इसको डैमेज भी दे देता हूँ भाई, बंदे को 1 HP रखता हूँ और रिलोड करके रश करने वाला होता हूँ। तब तक भाई देखो धुआं दिखता है मेरे को, मतलब वो बंदे को इसने फिनिश किया और इसको मैंने किया भाई, किल चोरी कर लिया मेरा मुंह पे। इसके बाद भाई अपन वुल बन चुके थे और भाई बंदे थे बस दो और मैं तीसरा, बात खत्म भाई। दो ही बंदे मार रहे थे और दोनों अलग अलग स्क्वाड के थे। मैं पूरा फ्लैंक मार के जाता हूँ दूसरे हिल की तरफ और वहां से मेरे को बंदा दिखता है लेकिन भाई गलती से मेरा एम्पर पे लगा था 6x भाई, 3x नहीं किया था, 6x ही था। यहाँ पे भाई खतरनाक तरीके से मारा लेकिन भाई मेरी फायरिंग देख के अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि आगे वाला बंदा मेरे को मार ना दे, घर में था बंदा वो, क्योंकि फायरिंग तो उधर से ही आ रही थी। मैं देखता हूँ उतने में मेरे को थोड़ा सा हल्का सा दिखता है और डैमेज भी खाता है, बंदा बौखला गया था भाई। तो यहाँ पे वैम्पायर बन जाता हूँ मैं, अभी डैमेज दिया था भाई, ये डैमेज देने के बाद भाई रुकने का नहीं क्योंकि पूरा हील होने के बाद भाई फिर फायदा नहीं रश करने के, इसलिए भाई मैं जहर डालता हूँ वैम्पायर का, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बंदा दिखता है मेरे को घर के बाहर, अभी देखो वो हो जाता है शॉक और भाई के पास था ऑटो रिकॉल भाई एक नंबर।
एक नंबर भाई, ये नया वाला वॉइस ओवर आप लोगों ने भी लिया है या नहीं भाई, बहुत बंदों के पास है। चलो ये चिकन डिनर आपको पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चिकन डिनर के साथ।